हेलो गाइस, मैं नैन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट। आज के वीडियो में क्लेविकल रिकवरी के बारे में बताने वाला हूं और आपको आज पांच ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूं जिनसे आपकी क्लेविकल बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। अगर हड्डी आपकी जुड़ गई है उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे कपड़ों पे और एक्सप्रेशन पे ध्यान बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मैं कपड़े इसलिए नहीं पहना हूं कि आपको एक्सरसाइज विद इन लाइव प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको करनी है प्रोट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन है, दो एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले, जो कि क्लेविकल की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। देखिए, प्रोट्रैक्शन बोले तो पीछे की ओर इसको खिसकाना है, ऐसे ऐसे करके पीछे की ओर इसको खिसकाना है, कंधे को पीछे की ओर ले आना है। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। ये हमको 10 टू 12 बार हमको कर लेनी है, कम से कम 10 से 12 बार ये वाली एक्सरसाइज हमको करनी है एक साइड में। तो 12 एक साइड की, 12 एक साइड की, 24 हो गई ऐसे ऐसे। इसके बाद हमको करनी है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन माने बोले तो उठाना ऊपर की ओर, हमारी ये एक्सरसाइज होगी। देखो मैं दिखाऊं, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। इसकी हमको 10-10 के दो रिपीटेशन करने हैं, यानी 10 बार ऊपर ले जाना है तो 10 बार नीचे लाना है, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। तो ये हो गई एलिवेशन और डिप्रेशन। अब हमको एक एक्सरसाइज और करनी है, चार एक्सरसाइज हो गई हमारी है। अब एक एक्सरसाइज है हमारी सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक्सरसाइज बोले तो हमको ये ऐसे ऐसे कंधे को घुमाना है, यानी हमें कोई भी मतलब हाथ पैर को नहीं चलाना है इन एक्सरसाइजों में, खाली हमारे शोल्डर गार्डन को चलाना है। तो शोल्डर गार्डन के लिए हम ऐसे करके कंधे को घुमा सकते हैं। ये हमारी शोल्डर गार्डन की एक्सरसाइज हो गई, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और आपके ये अगर आपके हड्डी अभी जुड़ गई है और आपके रिकवर होने को रहेगी कोई स्टिफनेस है, तो 15 से लेके 20-30 दिन में आपकी एक्सरसाइज से बिल्कुल आपका कंधा जाम हो गया होगा या कुछ भी, तो आपकी ये क्लेविकल शोल्डर गार्डन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे मूवमेंट यहीं के होते हैं। और अगर आपके अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपकी भी हड्डी जुड़ी नहीं है, रिकवर नहीं हुई है, तो कितने दिन में रिकवर होगी, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आई बटन पे आके आप क्लेविकल की वो वीडियो देख सकते हैं, कितने दिन में जुड़ती है और सर्जरी कराना बेस्ट होगा या नहीं, या ऐसे ही जुड़ जाएगी। तो उन वीडियो को जाके आई बटन पे जरूर देखिए। आप इनके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो देख रहे हैं, जैसे पैर के फ्रैक्चर के बारे में, हाथ के फ्रैक्चर के बारे में, तब भी वो आई बटन पर प्लेलिस्ट आ रही है, उसमें जाके सारे फ्रैक्चर से जुड़ी वीडियो मिल जाएंगी। फ्रैक्चर रिकवरी, फ्रैक्चर कैसे जुड़ता है, कितने दिन में जुड़ता है, सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। एंड स्क्रीन कार्ड पे जो वीडियो आ रहे हैं इनको भी देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, एक्सरे मुझको वहां भेज सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं नैन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूं ऐसी किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।